Hello friends, happy Women's Day to everyone. I am Reshma Roida and I welcome you all to InfluenceHer Season 3, initiated by Girl in Neighbour and powered by iVIPANAN. आज हम एक ऐसी फीमेल से मिलने वाले हैं जिन्होंने यंग एज में ही अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हुए बाकी सारी फीमेल्स को इंस्पायर किया है. सो शी इज डॉक्टर काजल पटेल. शी इज अ फिजियोथेरापिस्ट एंड शी हैज 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस. शी इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ प्रयास टीम प्लैनेटस वेयर इन शी ट्रीट्स इंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. So let us meet and greet Dr. Kajal Patel. Hi Kajal, welcome to InfluenceHer. Hi. Happy Women's Day to you. Happy Women's Day. हमें आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. ओके, वैसे तो बेसिकली लाइफ इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन. हमारे कई व्यक्तियों में सारे व्यक्ति एक महान कार्य करने की क्षमता के साथ ही पैदा होता है, और वही डिफरेंस है क्योंकि वो दूसरे से अलग है. मेरी बात करें तो टीनेज पीरियड मेरा सबसे सेंसेटिव पीरियड था, जहाँ मुझे अपनी जात को बदलने के लिए बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. और मैं एक बात मानती हूँ, चेंज इज़ अ ग्रोथ एंड ग्रोथ इज़ अ लाइफ. और 12th के बाद मेरी लाइफ का अध्याय शुरू हुआ जिसका नाम है दुनियादारी. तब मुझे पता चला कि वाकई में दुनिया कहाँ है और मैं कहाँ हूँ. ग्रेजुएशन में हॉस्टल के दिन सबसे ज़्यादा अधिक अच्छे दिन थे. मेडिकल लाइन में ग्रेजुएशन करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था, और ये मेरे पेरेंट्स और फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है. अभी मैं मेडिकल लाइन में सेवा करती हूँ और मैं उसमें करती रहूँगी. तो ये जर्नी में एज अ गर्ल, आपको ये पूरी जर्नी में क्या चैलेंजेस आपको एज अ गर्ल फेस करने पड़े? बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े कि इन अ पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी फील्ड में तो मुझे बहुत ही सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लाइक इमोशन स्ट्रेट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट इश्यू. और हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंजेस फेस है तो वो है पैशन, मतलब में धीरज रखना. हमें डॉक्टर को भी धीरज रखनी पड़ती है, उसके साथ साथ पेशेंट को भी धीरज रखने के लिए बोलना पड़ता है. यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंजेस प्रोग्राम है. और इस फिजियोथेरेपी में मैंने देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें ऐसी डिजीज़ ही होती हैं जो बॉडी मसल्स रिलेटेड हो, या कुछ एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएगा, मसल है ठीक हो जाएगा. तो उसके अलावा ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो इस फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती हैं? ओके, इसमें सबसे पहले डिजीज़ है ट्राइजिमन न्यूरल्जिया. जहाँ तक मेरा मानना है कि 90% पेशेंट को पता भी नहीं है कि ट्राइजिमल की फिजियोथेरेपी भी हो सकती है. पर उसमें मैंने जो आगे भी बोला कि सबसे बड़ी चैलेंज है धीरज रखना, ये ट्राइजेमिलर न्यूरोलॉजी में सबसे बड़ी धीरज रखनी है. पर उसकी फिजियोथेरेपी है और उससे 100% पेशेंट ठीक हो जाते हैं. उसके जैसा ही दूसरा है ओएनई, मतलब में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी. वहाँ एक उसका पहला उपाय है ऑपरेशन. अगर पेशेंट को ऑपरेशन नहीं कराना है तो वो फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है और पहले जैसा उसका लेग वापस काम करना शुरू हो जाता है. और ये पूरी आप जो ये चार सालों से जो आप करते आ रहे हो, तो इस जर्नी में जब भी चैलेंजेस आए या जब भी आपने डाउन फील किया, तो कांस्टेंट सपोर्ट और कांस्टेंट मोटिवेशन आपको कहाँ से मिल रहा था? वैसे तो सपोर्ट और मोटिवेशन की बात आती है तो फैमिली सबसे फर्स्ट होता है, और आज मैं जो भी पोजीशन पर हूँ वो उनकी वजह से ही हूँ. और जब सपोर्ट की बात आती है तो फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ ही होते हैं और वो हमेशा मुझे मोटिवेशन देते हैं. बिना फ्रेंड्स के जिंदगी नमक जैसी है, जैसे खाने में नमक के बिना खाना बेस्वाद लगता है, वैसे ही उनके बिना मेरी जिंदगी बेस्वाद है. वो मेरे लिए एक खुशी का स्रोत है. वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप हमेशा लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, हैप्पी रहो, आप खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगे. और अगर इस जर्नी में आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि शायद ये चीज़ मेरे पास होती है, ये चीज़ मुझे मिली होती तो मेरी जर्नी शायद आसान हो सकती थी, या मैं आज एक अलग जगह पे हो सकती थी? वेल, मेरा पर्सनली मानना है कि पछतावा लाइफ में आपका वो बहुत ही बड़ा नकारात्मक सोच है, वो आपको बहुत ही पीछे ले जाती है. वर्क मतलब में बहुत हार्ड वर्क और धीरज के बिना लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है. तो मेरा मानना है कि डूइंग हार्ड वर्क यू विल बी सक्सेस. और ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कोई इश्यूज़ की वजह से, या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या उनको ऐसा लगता है कि हम लड़कियां हैं तो हम ऐसा नहीं, ये नहीं कर सकती, डॉक्टर्स हैं तो रात को निकल नहीं सकते, ये वो. तो ये ऐसी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आपकी जर्नी के बाद?
ओके वैसे 21st सेंचुरी में तो वैसे देखना चाहिए तो वो वुमन एम्पावरमेंट का टाइम है और ये टाइम पर वुमन एम्पावरमेंट टॉप पर है और मैं सभी महिलाओं की एक ही संदेश देती हूँ कि उनको ये विचार करना चाहिए कि सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, ये विचार उनको छोड़ देना है तो वो सबसे पहले ही वो सक्सेस हो गए ही लाइफ में। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम अ बेड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू इन इन्फ्लुएंसर। Thank you so much.